बीजेपी ने आज दिल्ली में द केरला स्टोरी फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग कराई। स्क्रीनिंग में कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। तमाम लोगों ने बीजेपी की स्क्रीनिंग में हिस्सा लिया। फिल्म के बारे में न्यूज 24 संवाददाता विमल कौशिक ने बात की बीजेपी नेता तरुण चुग से। दिल्ली बीजेपी की तरफ से आज दिल्ली के डिलाइट सिनेमा में द केरला स्टोरी की स्पेशल स्क्रीनिंग कराई जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग भी हैं। सर, द केरला स्टोरी ये मूवी दिखाने के जरिए बीजेपी क्या मैसेज देना चाह रही है लोगों को? ये मूवी दिखाने से मैसेज नहीं दे रही, मूवी खुद एक मैसेज है कि किस तरह ब्रेन वॉश करके हमारे बच्चों के मन में पॉइजन भरा जा रहा। ये एक संक्रमण है, इन्फेक्शन। इस इन्फेक्शन की दृश्यम देखने के बाद इलाज जरूरी है, दृश्यम रोकना जरूरी नहीं। ये तो ऐसे है जैसे आप कहीं मेडिकल रिपोर्ट में आपके कुछ नुक्स आ जाए तो मेडिकल रिपोर्ट दबाने से बीमारी दबने वाली नहीं है, ये एक बीमारी है। भारत की बेटियों को मानव बम बनाकर सीरिया में भेजने की, अफगानिस्तान में भेजने की, वहाँ वुमेन स्लेव्स बनाने की, हमें अपनी बेटियाँ बचानी है तो इसके लिए काम करने की जरूरत है, ना कि इसको दबाने की जरूरत है। सर, विपक्ष के कुछ नेताओं का और कुछ लोगों का कहना है कि ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है और बीजेपी जानबूझकर इसको बढ़ा रही है, केवल छोटे से इंसिडेंट को। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, न्यायालय ने बार बार इस पर टिप्पणी की है। बच्चियों को बचाना क्या गलत है? क्या सतर्क होना गलत है? क्या सजग होना गलत है? क्या अपनी बच्चियों को अंधे कुएं में धकेल दे? ये जिहाद का अंधा कुआं जहां उन्हें ह्यूमन बम चाहिए, क्या भारत की बेटियां उसके लिए हमने पैदा की हैं कि वो किसी के ह्यूमन बम्स के लिए काम आए? उनको रोकना नहीं पड़ेगा? ये जो पॉइजन दिया जा रहा है उसका इलाज करना पड़ेगा। सर, अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि पश्चिम बंगाल सरकार ने द केरला स्टोरी को बैन कर दिया है। दुर्भाग्यपूर्ण है, एक बीमारी का दृश्यम यानी उसकी रिपोर्ट देखकर आप बीमारी का इलाज करेंगे कि उस रिपोर्ट को दबाएंगे? ये हवाला दिया जा रहा है कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। कैसी कानून व्यवस्था है जहां आप एक फिल्म दिखाने पर कानून व्यवस्था बिगड़ जाए तो वो कानून व्यवस्था क्या हुई? बाकी ममता जी कुछ भी कर सकती हैं, वो आज के भारत की न्यू जिन्ना है, वो कुछ भी कर सकती हैं। क्या देश की बेटियों को बचाना नहीं है? क्या इस पॉइजन से देश की बेटियों को बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? क्या भारत को सीरिया के लिए ह्यूमन बम सप्लाई चेन का हिस्सा बना रहना चाहिए? इससे सजग होना और सतर्क होने से क्या दिक्कत है? जी बिल्कुल, देखिए ये तरुण चुग जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ये मूवी जो है वो अपने आप में ही मैसेज देती है, और तुष्टिकरण को लेकर ये भी कहा कि कांग्रेस तुष्टिकरण करती है बीजेपी नहीं। कैमरा प्रहलाद सिंह के साथ विमल कौशिक, न्यूज 24 दिल्ली। केरला स्टोरी की दिल्ली में स्पेशल स्क्रीनिंग चल रही है जबकि पश्चिम बंगाल सरकार ने इसको बैन करने का फैसला किया। हमारे साथ मीनाक्षी लेखी जी हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री। मैम, पश्चिम बंगाल सरकार ने इस मूवी को बैन करने का फैसला किया? देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार का जो फैसला है वो गलत है, और वो गलत इसलिए है कि समाज में जब जन जागरण का काम हो तो उसमें सबका सहयोग होना चाहिए। समाज की बेटियां, बहुएं, लड़कियां जो हैं वो हम सबकी इज्जत है, उनको बचाना हम सबका कर्तव्य है, और सरकार कहीं ना कहीं इस कहानी की आड़ में अपने आप को बचा रही है जो उन बेटियों को बचा नहीं पा रही और सिर्फ अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करके अपनी कुर्सी बचाने में लगी है। आपने खुद ये पूरी मूवी देखी है तो आपको क्या इसका आकलन है? मेरा पक्ष का कहना है कि प्रोपेगेंडा है पूरा। देखिए, प्रोपेगेंडा है, लेकिन प्रोपेगेंडा है उस विचारधारा का जिसके ऊपर पर्दादारी अब तक सरकार कर रही थी। मैं इन मैटर्स को, इस तरीके की चीज़ों को 90 के दशक से फॉलो कर रही हूँ, और ये पश्चिमी बंगाल के अंदर भी ऐसी तमाम घटनाएं घटी हैं जहाँ पे कुछ लड़कियों की मौत भी हुई है और धोखे से वो लड़कियाँ अफगानिस्तान और तमाम जगहों पर गई भी हैं। आप बताइए, सेक्स स्लेवरी कौन सा धर्म और कौन सी सरकार इजाज़त देती है? कौन सा धर्म और इजाज़त देता है कि जवान बच्चे जो कि पढ़ाई लिखाई कर डॉक्टर, इंजीनियर, नर्सिंग करें, वो जाके आतंकी बन जाएं? कौन सा धर्म इजाज़त देता है कि बच्चों को, युवाओं को, युवतियों को गन फॉडर की तरीके से और ड्रग्स आदि के रूप में उनको इस्तेमाल किया जाए और ड्रग्स आदि देकर उनके दिमाग को भ्रष्ट किया जाए? कोई धर्म ऐसी इजाज़त नहीं देता, कोई सरकार जो राइट थिंकिंग गवर्नमेंट है वो इस तरीके की इजाज़त नहीं देती, और जो लोग इस पे पर्दा डालने का काम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऐसी ताकतों को अपीस करके अपनी कुर्सी बचाने का काम कर रहे हैं, ना कि देश की, समाज की
और अपनी बेटियों की इज्जत बचाने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी लेखी जी, उन्होंने कहा कि जो लोग भी इसको प्रोपेगेंडा बता रहे हैं वो देश की बेटियों को बचाना नहीं चाहते और इस तरह की घटनाओं को और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं। कैमरा सन प्रहलाद सिंह के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली।